वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टाटा पंच के सेकंड बेस वेरिएंट एडवेंचर का। ये है इसका डायटोना ग्रे कलर। क्या फीचर हैं इस वेरिएंट के, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कितने प्राइस रेंज में मिल जाती है, सभी के बारे में बात करेंगे। बता दूं एडवेंचर वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक यानी कि AMT ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कार के फीचर्स की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कार की की। तो आपको यहाँ पर दो जो हैं वो मिलती हैं कीज़, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड की है और दूसरी है यहाँ पे रिमोट वाली फ़िलिप की, कुछ इस तरीके से। इसमें बटन दिए गए हैं लॉक अनलॉक के। अनलॉक और लॉक करते टाइम ओवारियम जो है वो फोल्ड अनफोल्ड नहीं होंगे। और बीच में मिलता है एक हेडलैम्प का बटन, ये देखिए फॉलो मी आपको हेडलैम्प का फीचर ये ऑफर करता है एडवेंचर वेरियंट से। चलिए बात कर लेते हैं फीचर्स। तो फ्रंट प्रोफाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ऊपर मिलता है आपको सिलिक डिज़ाइन के अंदर इसका, ये देखिए ये पोर्शन, ये आपको एज अ DRL दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हेलोजन DRL है, मतलब LED DRL आपको यहाँ पे नहीं मिलता। टर्न इंडिकेटर के प्लेसमेंट की गई है। पियानो ब्लैक की आपको जो लाइन है वो मिल जाती है, जिसकी ह्यूमिडिटी लाइन है, दोनों ही DRLs को आपस में कनेक्ट करती है। बीच में आपको टाटा का लोगो है। पियानो ब्लैक कलर के अंदर आपको अपर ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो तीन कटआउट्स मिल जाते हैं ट्रायर और पैटर्न डिज़ाइन के साथ, और पीछे आपको हॉर्न झाँकता हुआ नज़र आएगा। नीचे की तरफ आते हैं, इसके हेडलैम्प सिंगल चैम्बर वाले हैं। टॉप मॉडल में हमने देखा था डुअल चैम्बर हेडलैम्प्स थे, तो यहाँ पे सिंगल चैम्बर हेलोजन हेडलैम्प्स हैं, फॉलो मी फंक्शन के साथ ही दिए गए हैं। हेडलैम्प के बिल्कुल साथ में आपको यहाँ पर एयर डैम प्रोवाइड किए गए हैं। हाई स्पीड पर जो इसकी स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। नीचे यहाँ पर आपको फॉग लाइट नहीं मिलती इस वेरियंट के अंदर, और ये कम्प्लीट पैटर्न डिज़ाइन आपको जो ट्रायरों का दिया गया है इसके फ्रंट पोर्शन पर, काफ़ी थिक आपको यहाँ पर लाइनिंग वगैरह मिल जाती है। तो फ्रंट से ओवरऑल इस कार का लुक काफ़ी मस्कुलर आता है। ऊपर की तरफ देखें तो स्लीक का इसका बोनेट वो मिलता है, साथ ही ट्विन मैनुअल वाइपर्स मिल जाते हैं, और विंड स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको पोल टाइप इसका रेडियो एंटीना। ये है एडवेंचर वेरिएंट का साइड प्रोफाइल। सबसे पहले व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 15 इंचेस के स्टील रिम्स। इसके ऊपर आपको ये ब्लैक कलर के जो व्हील कवर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। टायर सेक्शन है 185/70R15 का। बॉडी के चारों तरफ आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छे प्रोपोर्शंस आपको ये प्रोवाइड करती है। काफ़ी थिक जो क्लैडिंग है वो यूज़ की गई है। 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है टाटा पंच का। ओवरव्यूज देखें तो बॉडी कलर के आपको ओवारियम्स मिल जाते हैं इस वेरिएंट से। यहाँ पे आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और इस मिरर को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे, फोल्ड नहीं कर पाएंगे, फोल्ड आपको हाथ से मैनुअली ही करना होगा। ए पिलर आपको बॉडी कलर का मिलता है, साथ ही बी और सी पिलर आपको ब्लैकआउट दिए गए हैं। नीचे डोर हैंडल आपको बॉडी कलर के मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। रियर डोर हैंडल आपको सी पिलर माउंटेड मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं सी पिलर माउंटेड है, जैसे कि अल्ट्रोस और स्विफ्ट वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किए गए हैं। बात करें इस कार के रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। रियर विंड स्क्रीन प्लेन मिलती है। यहाँ पे आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर वगैरह नहीं दिया गया। वोकल फॉर लोकल की आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। रियर टेल लैंप्स आपको हेलोजन टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं। टॉप एंड वेरियंट से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर आपको LED मिल जाते हैं, और कुछ तरीके का आपको इसका आउटपुट मिलता है। बीच में टाटा का लोगो है, पंच की ब्रांडिंग की गई है। LED टाइप आपको इसकी जो लाइसेंस प्लेट लाइट है वो मिल जाती है। रिफ्लेक्टर विद ट्रायर और पैटर्न डिज़ाइन। यहाँ पे आपको रियर जो डैम है वो मिल जाता है, और ये देखिए यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स के ऊपर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, साथ ही एक आपको रिफ्लेक्टर भी दिया गया है पीछे की तरफ। चलते हैं इस कार के इंटीरियर में। तो भाई 90 डिग्री आपको इस कार के डोर्स की जो ओपनिंग है वो मिल जाती है, कंप्लीट 90 डिग्री ओपनेबल है। कंप्लीट ब्लैक कलर का आपको इंटीरियर मिलता है। कुछ डिजाइनिंग एलिमेंट्स है, पियानो ब्लैक फिनिश है, वो सब अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर की। तो भाई ये ड्राइवर साइड डोर है, जहाँ पे आपको यहाँ पे देखें तो इनसाइड डोर हैंडल पियानो ब्लैक के फिनिश में। यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट आप करा सकते हैं, ट्विटर नहीं मिलता।
और या तो आप चाहें तो ट्विटर की प्लेसमेंट ए पिलर के ऊपर करवा सकते हैं, यहाँ पर दोनों साइडों में भी आपको प्लेसमेंट की जगह मिल जाती है। यहाँ देखें तो आपको चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, मिरर के एडजस्टमेंट के लिए आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप मिरर को एडजस्ट कर पाएंगे, फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, आपको यहाँ पे कहीं पर भी कुशनिंग प्रोवाइड नहीं मिलती। और ये जो है ये आपको थोड़ा सा ग्रीनिश पोर्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको ट्रायरों के डिज़ाइंस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस प्रोवाइड किया गया है। चार स्पीकर मिलते हैं जिनकी प्लेसमेंट डोर में की गई है। सराउंड में आप देखें ट्रायरों के डिज़ाइंस आपको मिल जाते हैं। इंटीरियर फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको डी कट शेप के अंदर जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो मिल जाता है, किसी प्रकार का आपको लेकिन लेदर का जो फिनिश है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, सभी आपको ब्लैक आउट फिनिश में मिल जाते हैं। इधर की तरफ आपको मिल जाता है इसके ऑडियो एंड कॉलिंग के कंट्रोल्स, टाटा का लोगो मिलता है, एक एयरबैग यहाँ पर और दूसरा एयरबैग आपको को ड्राइवर साइड में दिया गया है। डुअल फ्रंट एयरबैग्स आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप स्टेयरिंग व्हील को जो है वो टिल्ट वे में एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से की स्टार्ट आपको फंक्शन मिलता है। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डिजिटल एंड एनालॉग टाइप का जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर और टैकोमीटर दोनों ही एनालॉग मिल जाते हैं और बीच में एक छोटी सी आपको MID स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपको क्लॉक, डिस्टेंस टू MT, डोर ओपन वार्निंग, कितने किलोमीटर कार रन हो चुकी है वो इंडिकेशन और जितनी भी सभी इसकी वार्निंग्स एंड इंडिकेशंस हैं सभी आपको इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में प्रोवाइड की गई हैं। इवन इंडिकेटर का भी आपको इंडिकेशन मिल जाता है। ये देखिए इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको AC वेंट का जो सराउंड है उसको पियानो ब्लैक के फिनिश में दिया गया है और दो मोड्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको इको और सिटी दो मोड आपको ऑफर करती है, एडवेंचर वेरिएंट के अंदर भी ये मिल जाते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप का आपको बटन मिल जाता है, इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी अच्छा, की वगैरह, फ़ोन वगैरह स्टोरेज के लिए और हुड रिलीज के लिए लीवर, मैनुअल ट्रांसमिशन है, तीन लीवर्स और कोने में एक ब्रेक पेडल भी आपको मिल जाता है। इधर देखिए तो यहाँ पे आपको ये देखिए फ्यूल लिड ओपन करने के लिए एक लीवर दिया गया है। डैशबोर्ड की बात करें तो ये है इसका डैशबोर्ड का लुक, डुअल टोन फिनिश है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ब्लैक है, नीचे की तरफ भी ब्लैक एक इंसर्ट दिया गया है, खुदरा से आपको यहाँ मटेरियल इस्तेमाल जो फिनिश देने की कोशिश की गई है वो मिल जाती है। उसके नीचे ये ग्रीनिश पार्ट आपको मिलता है, इसके ऊपर ट्रायरों के जो डिज़ाइंस हैं वो आप देख सकते हैं। फिर अगेन जो लोअर पोर्शन है कंप्लीट वो ब्लैक रखा गया है और यहाँ पर आपको सभी जितने भी पार्ट्स हैं तो इनके ऊपर कंप्लीट आपको प्लास्टिक का फिनिश मिलता है, कहीं पर सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ नहीं किया गया। म्यूजिक सिस्टम देखें तो इस कार के अंदर आपको एडवेंचर वेरिएंट में मैनुअल म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जो कि 4 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाती है। इसके अंदर आपको USB और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी दी गई है। नीचे सेंटर AC वेंट, पियानो ब्लैक के फिनिश, बीच में वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच। म्यूजिक सिस्टम के जितने कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं बटन्स के तौर पर। और एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है इस कार की कि यहाँ पर आपको मैनुअल AC तो मिलता है लेकिन वो जो आपको डायल मिलते थे ना वो नहीं दिए गए। यहाँ पे आपको जैसे कि टॉप वेरिएंट में दिखता हुआ AC है उसी तरीके का डिज़ाइन में आपको ये पैटर्न दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर 12V का एक चार्जिंग सॉकेट, ये देखिए एक USB पोर्ट मिल जाता है, इतना स्पेस आपको ये यहाँ पर मिल गया है। और ये देखिए ये एंटीना है जिसको इसमें पोल टाइप एंटीना मिलता है, निकाल के भी रखा हुआ है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन आप चूज़ कर सकते हैं। पियानो ब्लैक का इसके सराउंड में आपको फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर आपको यहाँ पे 12V का चार्जिंग सॉकेट दिया जाता है, की स्टोरेज स्पेस दिया गया है। पार्किंग ब्रेक लीवर विद क्रोम टिप, ट्विन कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट जो है ड्राइवर साइड वो नहीं दिया गया। ये देखिए यहाँ पे ड्राइवर साइड सनवाइजर में एक टिकट होल्डर है। इनसाइड रियर व्यू मिरर आपको डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ है, एक लाइट मिल जाती है। और थोड़ी चौंकाने वाली बात है कि पूरे कैबिन के अंदर आपको सिर्फ यही एक लाइट दी गई है, तो हो सकता है कि डार्कनेस में ज़्यादा डार्क नज़र आए क्योंकि एक ही लाइट मिलती है। यहाँ पे आपको एक माइक्रोफोन की और को ड्राइवर साइड सनवाइजर में एक वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। ग्रैब हैंडल फिक्स टाइप का दिया गया है। ग्लोब बॉक्स की तरफ जाते हैं तो भाई ग्लोब बॉक्स ये देखिए
कूलिंग वगैरह नहीं है, इवन इल्यूमिनेशन भी नहीं मिलती, स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है और डुअल पार्ट में है ये, दो पार्ट में आपको स्पेस मिलता है। कंप्लीट फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री आपको प्रोवाइड की गई है, ब्लैक फिनिश के साथ है। ट्रायर रो के डिज़ाइन जो हैं वो भी आपको इस पे देखने को मिल जाते हैं और फोर वे एडजस्टेबल मिलती है, यहाँ से आप इसको रिक्लाइन डिक्लाइन और यहाँ से आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कर पाएंगे। और अच्छी बात है कि इसके हेडरेस्ट जो हैं वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं फ्रंट वाले। चलते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल में, तो डोर हैंडल सी पिलर माउंटेड है, 90 डिग्री ओपनेबल आपको रियर डोर भी मिल जाता है। ये देखिए पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर इस साइड डोर हैंडल है, ट्विटर आपको पीछे भी नहीं मिलता, यहाँ पे ग्रीनिश फिनिश प्लास्टिक फिनिश के साथ, एक पावर विंडो कंट्रोल है। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है इसका बॉटल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और एक स्पीकर की प्लेसमेंट। इंटीरियर फीचर्स की बात कर लें तो भाई ये है इस कार का इंटीरियर, जहाँ पर आपको कंप्लीट अपहोल्स्ट्री ब्लैक है और ये देखिए हेडरेस्ट। तो भाई हेडरेस्ट रियर वाले जो हैं वो आपको मिल जाते हैं फिक्स टाइप के, इसको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इवन आपको सेंटर में आर्मरेस्ट भी नहीं दिया गया। बैठ कर देखते हैं, तो ये सीट बिल्कुल ही मैंने पीछे की हुई है, तो पीछे करने के बाद कुछ इतना स्पेस आपको ये ऑफर कर रही है, तो ठीक ठाक आपको नॉर्मल स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको कोई एसी वेंट नहीं मिलता, स्पेस दिया गया है। और इधर की तरफ देखें तो फिक्स टाइप आपको ग्रैब हैंडल दोनों ही साइडों में मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। एक और चीज़ है, इस सीट को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है वो फोल्ड भी कर सकते हैं, अगर आपको बूट की स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप इसको कुछ तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं, दोनों तरफ आपको ऑप्शन बटन मिलता है, उसकी हेल्प से आप इसको फोल्ड कर पाएंगे। बूट पर चलते हैं, देखते हैं बूट स्पेस। बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये देखिए इसके हेल्प से बूट को ओपन कर पाएंगे। पार्शल ट्रे मिल जाती है आपको, ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक हैंडल दिया गया है और अच्छी खासी आपको कवरिंग प्रोवाइड की गई है, तो फिनिश एंड फिटमेंट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर 366 लीटर का आपको बूट स्पेस, एक लैंप दिया गया है तरफ आपको, 1 किलो कैपेसिटी के साथ इसका ग्रोसरी हुक, सेम अरेंजमेंट इधर भी है। स्टेपनी टायर आपको नीचे दिया गया है, काफ़ी फंसा हुआ सा भाई ये है अरेंजमेंट। स्टेपनी टायर नीचे की तरफ मिलता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्टील लिम ही प्रोवाइड किया गया है और 15 इंच के आपको टायर सेक्शन दिए गए हैं 185/70R15 के, जो कि आपको अदर व्हील्स में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको ये मिल जाता है एक पंक्चर किट, चुके हैं इस कार के इंजन कंपार्टमेंट में, जहाँ पे आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया गया है, 63 किलोवाट की पावर देता है, 113 Nm का टॉर्क, 3 सिलेंडर इंजन है। नीचे की तरफ आपको कोई स्प्लैश गार्ड वगैरह नहीं मिलता, ऊपर की तरफ आपको साउंड डंपिंग के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड की गई है। माइलेज अभी तक कंपनी ने क्लेम नहीं की है। ग्लोबल एनकैप ने इस कार को क्रैश टेस्ट के अंदर 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड की है। मैनुअल वेरिएंट की एक्चुअल कॉस्ट है 6,39,000 रुपीज़, और अगर आप AMT परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट है 6,99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम दिल्ली।